हेलो दोस्तों, ई हिंदी उर्दू चैनल में आप सभी का वेलकम है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आपके विंडोज़ 10 पीसी में अगर आपका टास्क बार वर्क नहीं कर रहा है तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। आज के इस वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं, तो इसके लिए आपको कोई हार्ड वर्क करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये बहुत सिंपल तरीका है इसको सॉल्व करने का, जैसे कि आप यहाँ पर मेरे पास भी देख सकते हैं टास्क बार सही वर्क नहीं कर रहा है। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो नॉर्मली तो आप टास्क बार में से ना स्टार्ट मेन्यू में से कुछ भी ओपन कर सकते हैं। आपको टास्क मैनेजर ओपन करना है, तो टास्क मैनेजर ओपन करने की शॉर्टकट की ये है कि कंट्रोल शिफ्ट होल्ड कीजिए और एस्केप प्रेस कीजिए, आपका टास्क मैनेजर ओपन हो जाएगा। आप सिर्फ शॉर्टकट की से ही ओपन कर सकते हैं, आपका टास्क बार टोटली वर्क नहीं कर रहा है। तो जस्ट शॉर्टकट की ध्यान रखें, कंट्रोल की और शिफ्ट होल्ड कीजिए और जस्ट एस्केप प्रेस कीजिए, आपका टास्क बार टास्क मैनेजर ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे आपको चूज़ करना होगा, फाइंड करना होगा विंडोज़ एक्सप्लोरर। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं विंडोज़ एक्सप्लोरर, तो जस्ट उसके ऊपर राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करने के बाद जस्ट रिस्टार्ट पे क्लिक कीजिए, तो आपका टास्क बार जो है वो ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो उसके बाद आपका टास्क बार जो है वो वर्क करना शुरू कर देगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये देखिए गूगल क्रोम ओपन हो रहा है, VLC, MS Word, अभी यहाँ पे मेरा टास्क बार तो सही वर्क कर रहा है। तो उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आ गया, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और वीडियो के नीचे रेड बॉक्स में सब्सक्राइब का बटन है। अगर आप ई हिंदी उर्दू चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करें हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए इसी तरह हम डेली आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आते रहते हैं, वो भी हिंदी में बिल्कुल भी फ्री। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों लेटेस्ट अपडेट के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।